नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल गंगवार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। आज हम लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में पैरेलल इकोनॉमी पे, समानांतर अर्थव्यवस्था। देखिए भाई, समानांतर अर्थव्यवस्था कहते किसे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेलल के बारे में। पैरेलल क्या होता है भाई? इस तरह से दो व्यवस्था है ना, दोहरे के बारे में पैरेलल रेस पढ़ी होंगी आप लोगों ने। पैरेलल का मतलब होता है इस तरह से, और आपस में कहीं भी एक दूसरे को ना काटे, इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल। तो ऐसी ही अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था लगा दिया तो पैरेलल अर्थव्यवस्था, दो अर्थव्यवस्थाएं इस तरह से चल रही हैं और कोई भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल इकोनॉमी के बारे में, देखते हैं हम। देखें भाई, पैरेलल इकोनॉमी कहते किसे? हमने देखा समानांतर अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उस देश की अर्थव्यवस्था है ना संविधान के अनुरूप चलाई जा रही है, परंतु उस अर्थव्यवस्था में ही गैर कानूनी ढंग से इस तरह से एक अर्थव्यवस्था और भी चल रही है। इस अर्थव्यवस्था को, जो दोनों अर्थव्यवस्थाएं चल रही, एक तो संवैधानिक रूप से चल रही, एक गैर कानूनी नियम से चल रही, गैर कानूनी तरह से चला रहे हैं अर्थव्यवस्था। इन दोनों के जो पैरेलल चल रही, आपस में नहीं काटेंगे एक दूसरे को, लेकिन इन अर्थव्यवस्थाओं को, दोहरी अर्थव्यवस्था जो इस तरह से लग रही ना, एक गैर कानूनी नियमों के अनुसार, एक संवैधानिक नियम के अनुसार, इन अर्थव्यवस्थाओं को सामूहिक रूप से हम लोग कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी अर्थात समानांतर अर्थव्यवस्था। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समानांतर अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें या जिसको चलाने के लिए नियम उस देश के संविधान के अनुरूप हों, परंतु उस अर्थव्यवस्था में गैर कानूनी नियम भी संविधान के अनुरूप चलन में है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ आए? देखिए, जैसे हम लोगों को इंडिया में क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था चली रही मिक्स्ड इकोनॉमी, मैंने पहले चर्चा की कर चुका हूं। तो उसमें देखें आप, कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, कहीं भी जाएं आप, किसी भी ऑफिस में जाएं, जैसे यदि आप सपोज वकील से ही मिलने जा रहे हैं किसी से, तो हम लोग क्या कहते हैं, या डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, सर जो भी खर्चा आया वो बता दें। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इतना आपका 10,000 खर्चा आया, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो 10,000 खर्चा आया वो संविधानिक नियमानुसार था, यानी संविधान के अनुसार था, 10,000 तो हमने दिया ही। अच्छा, आपका खर्चा क्या है ये पूछते ना कि, अच्छा आपका खर्चा कितना आया सर, तो ये क्या, ये अर्थात इससे क्या होता, घूसखोरी, हम उसे घूस खिला रहे हैं कि घूसखोरी बढ़ता, इसमें क्या घूसखोरी, कामा रिश्वत कह सकते हैं, समझ रहे हैं, या काला धन, ब्लैक मनी इसी से होता है इकट्ठा, काला धन बहुत जोर किया था मोदी जी ने जब सरकार लाए थे कि काला धन वापस लाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एक सब नया जोड़ूंगा, हवाला मार्केट यहाँ से भी क्वेश्चन आता, हवाला मार्केट से, समझ रहे हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे एक टॉपिक, हवाला मार्केट कहते कैसे, ये क्वेश्चन आता तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। लेकिन काला धन किस तरह से बढ़ रहा कि पैरेलल इकोनॉमी का मतलब समझ रहे हैं, वो तो जो आपने 10,000 रुपए दिया था वकील साहब को संविधान के अनुसार, या इतना चार्ज आया था, वो तो उनका टैक्स भी पे करना है, जो भी खर्चा आया, जैसे गवर्नमेंट का जो भी स्टाम्प पेपर लगा कुछ भी, वो तो खर्चा था भाई। अब आपने आपका खर्चा कितना, ये जो शब्द लगाया ना, इसका मतलब है आप उससे रिश्वत दे रहे हैं, अर्थात घूसखोरी दे रहे हैं, वो पैसा कहीं भी दिखाएगा नहीं, वो पैसा क्या गोपनीय रूप से, जिसे कहा था ब्लैक मनी, काला धन इसी को कहते हैं ना, जिसपे हम लोग टैक्स ना दें, ऐसा धन जिसपे हम लोग टैक्स ना दें, ब्लैक मनी अर्थात काला धन कहते हैं। और इस काले धन की कोई भी लिखा पढ़त होती नहीं है, जो रिश्वत दिया वो आपने उसका लिखा पढ़त कुछ नहीं है कि 10,000 दिया गया, 10,500 दिया आपने, जो भी दिया वो 500,000 जो भी काला दिया था उन लोगों को रिश्वत के लिए, वो आपका ब्लैक मनी अर्थात काले धन के अंतर्गत आएगा, और घूसखोरी हो ही गया, वो घूसखोरी दिया था। तो इस तरह से आपका क्या होता, समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप अब भी कमेंट बॉक्स में दे देंगे, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे और एक बार इसे रीड कर लेंगे बेटा, राइट। थैंक यू क्लास।